हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर पे मस्त होंगे, यहाँ पे स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मुझे ये बताइए, जब से iPhone 14 Pro लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर, तो तब से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने iPhone 14 Pro को परचेज कर लिया होगा, और लाइक जिनका एक्सपीरियंस आप iPhone 14 Pro के साथ बहुत अच्छा होगा, किसी का खराब भी हो सकता है, किसी का मीडियम हो सकता है। तो और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो iPhone 14 Pro खरीदने का सोच रहे होंगे, क्योंकि देखिए अभी iPhone 15 में तो बहुत टाइम है, तो उससे पहले भी iPhone 14 Pro ही लेटेस्ट है, मतलब iPhone 14 की पूरी सीरीज। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे iPhone 14 Pro लेने का, या पुराने iPhone से उस iPhone में अपग्रेड करने के लिए। तो गाइस, इससे पहले कि आप फोन परचेज करें, तो मैं आपको देना चाहूंगा शॉर्ट रिव्यू iPhone 14 Pro का। अब आप कहेंगे कि भाई मेरे पास तो फोन ही नहीं है, तो मैं रिव्यू कैसे दे रहा हूँ। तो गाइस, iPhone 14 Pro मैंने पर्सनली वैसे इतना यूज नहीं करा, बट मैंने अपने लाइक जो मेरे रिलेटिव्स हैं या शॉप पे या फिर सपोज जो शोरूम पे जाके, जैसा आपको पता है कि हम जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत उसको यूज करा है, और थोड़ा बहुत उसके बेसिस पे और जितनी जैसे मैंने वीडियोज देखी है यूट्यूब पर, या जितना मैंने सुना है लोगों से आसपास की iPhone 14 Pro के बारे में, तो उन सब चीजों को कंबाइन करके वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि वो पॉइंटर्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि गाइस जो वो पॉइंटर्स होंगे उनके बेसिस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको iPhone 14 Pro के लिए जाना चाहिए, या आप iPhone 14 के लिए जा सकते हैं, iPhone 13 के लिए भी जा सकते हैं या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं iPhone 14 Pro का पूरा रिव्यू, कैसा है ये फोन और क्या आपको ये 2023 में परचेज करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को उसमें आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहूंगा। अगर आपने कर दिया है तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइज, जो iPhone 14 की जो सीरीज लास्ट ईयर एप्पल ने लॉन्च करी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज थी, जहाँ पे मेन जो अपग्रेड था वो iPhone 14 Pro था, क्योंकि iPhone 14 जो था वो पूरा डिक्टो iPhone 13 है, बस उसमें एप्पल ने क्रैश डिटेक्शन और बाकी थोड़े बहुत सेंसर्स यहाँ पे ऐड करे हैं, बाकी उसको हटा दें तो iPhone 14 Pro यहाँ पे मेन एक आई कैचिंग मूवमेंट था अपने एप्पल के सब कस्टमर्स के लिए। तो और जब से iPhone 14 Pro मार्केट में लॉन्च हुआ, तब से दोस्तों उसके बाद iPhone 14 Pro की सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। इवन जो एप्पल के स्टोर्स हैं वहाँ पे फोन की जो वेट लिस्ट यहाँ पे शुरू हो गई, लोग बुक करे जा रहे हैं बट फोन ही नहीं थे। तो इसलिए अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि iPhone 14 Pro में ऐसा क्या खास था, पूरा रिव्यू मैं आपको दूंगा कि क्यों आज भी लोग उस फोन को परचेज कर रहे हैं iPhone 14 से ज्यादा, और क्या आपको ये फोन यहाँ पे परचेज करना चाहिए 2023 में, या आपको अपने पुराने iPhone से इस iPhone में अपग्रेड करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो गाइस, जो iPhone 14 Pro का मैं अगर पहला फीचर बात करूँ, जो बहुत ही एक अवेटिंग फीचर था एप्पल की तरफ से, जो था ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो आप जानते हैं कि एंड्रॉइड में तो कितने सालों पहले ही ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आ गई थी, बट एप्पल ने बहुत लेट कर दिया, आई नो कि 2022 में एप्पल लेके आया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो और ऊपर से जो ये iPhone 14 Pro Pro Max की पूरी जो सीधे दोनों फोन्स हैं, इनकी जो डिस्प्ले है मतलब बहुत ही मैक्स, मतलब बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये OLED डिस्प्ले है, जिसकी कलर्स, ब्राइटनेस और एस्पेक्ट रेशियो सब कुछ, मैं इतना डिटेल में टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाने वाला, क्योंकि वो देखिए जब हम फोन खरीदते हैं ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, हम नहीं देखते कि हमें फोन की डिस्प्ले कैसी है, प्रोसेसर कैसा है, कैमरा कैसा है, कि हमें सेल्फीज लेनी है, हमें रील्स बनाने हैं, तो मैं डिटेल में इतना नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दूंगा। तो जो iPhone 14 Pro की जो डिस्प्ले है बहुत ही कमाल की डिस्प्ले है, बहुत ही ऑसम डिस्प्ले है, और डायनेमिक आइलैंड के बाद तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ये स्मार्टफोन लगता है मुझे, क्योंकि अब तक हम एप्पल की तरफ से 2017 से नॉच वाले डिजाइन देखते आ रहे थे, बट iPhone 14 Pro में बहुत ही नया डिजाइन है, बहुत ही यूनिक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से ऑलवेज़ डिस्प्ले भी यहाँ पे एप्पल लेकर आ गया। अब इसमें एप्पल ने क्या यूनिक किया है कि जो ऑलवेज़ डिस्प्ले जो कि ऑन होगी, तो उस टाइम पे जो आपकी डिस्प्ले होगी 1 हर्ट्ज तक चली जाएगी, मतलब कि वो बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगी, और आपको अपने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स, वो सब चीजें आपको आप इस यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगी। पर वो जो स्क्रीन थी वो फिर भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जाने के बाद भी हल्की बहुत ब्राइट थी, तो एप्पल उसको iOS 16.2 के अंदर फिक्स किया, और मैंने ऑप्शन दिए जहाँ पे आप उसको एंड्रॉइड की तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, कि आपको जो डिस्प्ले का मतलब जो वॉलपेपर होगा वो आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन के ऊपर अपने नोटिफिकेशन दिखेंगे। तो इसके बाद तो यूजर इतने खुश हो गए कि उन्होंने iPhone 14 Pro लेना शुरू कर दिया। तो ये एक मतलब बहुत ही कमाल का फीचर था जो एप्पल ने लेकर आया, हालांकि एप्पल इसको iPhone 13 Pro के साथ भी लेके आ सकता था, कि डिस्प्ले उसकी भी प्रमोशन टेक्नोलॉजी थी और इसकी भी प्रमोशन टेक्नोलॉजी, बट आप जानते हैं कि एप्पल को कुछ ना कुछ नया लास्ट नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ लॉन्च करना ही होता है, तो इसलिए एप्पल कुछ फीचर्स को यहाँ पे रोक देता है। और डिस्प्ले के टर्म्स में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, आपको डिस्प्ले से कोई इशू नहीं होगा, और मैंने भी पर्सनली यहाँ पे यूज़ करा है, तो डिस्प्ले मुझे बहुत ज़्यादा कमाल की लगी, मैं कंटेंट देखा है उस पर, गेम्स थोड़े बहुत खेल के देखे हैं, तो डिस्प्ले इसकी बहुत बढ़िया है। और हम चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो यहाँ पे कैमराज। और आप जानते हैं कि एक
आज के वर्ल्ड में जिसमें हम रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में, आज के डेट में हर किसी को कैमरा अच्छा चाहिए अपने स्मार्टफोन का, क्योंकि उनको रील्स बनाने हैं, वीडियोस बनाने हैं, फोटोज खींचनी है, सेल्फीज लेनी है, पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, स्नैपचैट पे। तो इसके कैमराज की अगर हम बात करें, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आईफोन जो कैमरा है बहुत ही मैक्स लेवल का गया है। आप जानते हैं कि अब तक हमें आईफोन के अंदर 12 मेगापिक्सल के सेंसर देखने को मिलते थे, इवन आईफोन 13 प्रो तक, पर एप्पल ने इस बार आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेंसर दिया है। कैमरा मत समझिएगा, देखिए जब भी कोई ब्रांड आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट करे कि उनके स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 120 मेगापिक्सल कैमरा, वो कैमरा नहीं होता, वो सेंसर होता है। जो आपका सेंसर, देखिए एंड्रॉइड में सोनी का सेंसर लगा होता है, पर इसमें एप्पल का आई गेस खुद का सेंसर होता है। तो इसमें एप्पल ने 48 मेगापिक्सल को सेंसर दिया है, ना कि कैमरा, तो जिससे कि बहुत ही बढ़िया फोटोज आती है आउटपुट में। देखिए 48 मेगापिक्सल का कैमरा पर आपको आउटपुट में मिलेंगे 12 मेगापिक्सल की फोटोज, मतलब फोटो क्वालिटी बहुत बढ़िया होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे सिनेमैटिक मोड और यहाँ पे आपको जो एप्पल ने नए फीचर्स दिए हैं, जैसे आप सिनेमैटिक मोड को 4K में भी आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं, जो पहले आईफोन 13 प्रो में नहीं था। और इसमें जो डिजिटल जूम है वो एप्पल ने यहाँ पे बहुत ज्यादा जूम कर दिया, जहाँ पे आप इसमें 10x जूम तक यहाँ पे आप यहाँ पे फोटोज यहाँ पे जूम करके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत नए तरह के पोर्ट्रेट मोड्स, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, नाइट मोड, तो ये सब चीजें दोस्तों मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट जो कैमरा है, कैमरा बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कैमरा आपको देखने को मिलता है, फोटोज बहुत बढ़िया आती है, रील्स बहुत बढ़िया आती है। बाकी जो दोस्तों आपको 3 कैमरा मिलते हैं उसमें, आई गेस टेलीफोटो, मेन और जूम कैमरा आपको मिलता है, जो जिसमें आप अच्छे अच्छे फोटोज, पोर्ट्रेट शॉट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। फ्रंट कैमरा भी आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है, तो बहुत ही एक अच्छा कैमरा, क्योंकि जो 2-depth कैमरा सिस्टम है, तो आप उसे उसमें बढ़िया फोटोग्राफ्स, पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ले पाएंगे, तो कैमरा से भी कोई आपको शिकायत यहाँ पे नहीं आने वाली है। गाइज यहाँ पे इसके कैमरा के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट जूम मोड्स में फोटो ले सकते हैं, जैसे 1x जूम, 2x जूम, 3x, 5x जूम तक यहाँ पे फोटो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत ही छोटी चीज है, पर ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें क्या होता है, जब जूम करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो फोटो की क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। मैंने दोस्तों पर्सनली अपने आईफोन 10R में ये चीज नोटिस करी है, आपने भी शायद करी होगी अपने किसी आईफोन के अंदर। पर आईफोन 14 प्रो के अंदर एप्पल ने आई थिंक कुछ ऐसे यहाँ पे एल्गोरिथम करें कि जब जूम करेंगे तब भी कैमरा की जो क्वालिटी है, जो फोटो क्वालिटी है, वो यहाँ पे कम नहीं होगी, क्योंकि जो एप्पल ने कैमरा के अंदर 48 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है, तो उसमें जो आपका आईफोन है वो 12 मेगापिक्सल ही सिर्फ यहाँ पे यूज करता है उस जूम फोटो यहाँ पे क्लिक करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो आउटर एजेस होते हैं यहाँ पे कट भी नहीं होते, और जो फोटो क्वालिटी यहाँ पे इतनी कम, मतलब यहाँ पे रिड्यूस यहाँ पे नहीं होती। अगर मैं कंपेयर करूँ इसे सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से, तो वहां पे आप उससे और भी ज्यादा जूम कर सकते हैं, 50x जूम तो शायद आप कर सकते हैं, तो वो उसमें एक्स्ट्रा फीचर आता है। बट वो देखिए आपकी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज्यादा जूम शॉट्स लेते हैं तो आई गेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आईफोन से, बट अगर इतना मैटर आपके नहीं करता तो आईफोन का कैमरा यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बेस्ट मिलता है। बात करें बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फीचर के बारे में जो एप्पल लेकर आया अपने आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स के अंदर, वो था डायनेमिक आइलैंड। और आप जानते हैं कि ये पिल शेप यहाँ पे एप्पल ने बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे दिया है, जहाँ पे नॉच नहीं है, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे डिजाइन लगता है। अब जब एप्पल ने इसको अपने कीनोट में दिखाया वीडियो एनिमेशन के थ्रू, तो दोस्तों इवन मैं भी देख के काफी एक एक्साइटेड हो गया था कि एप्पल ने क्या कर दिया। मतलब ये देखिए, जब आप उस डायनेमिक आइलैंड के अंदर कितनी सारी फीचर आपको मिलते हैं, सपोज आपने एप्पल म्यूजिक खोला, आप म्यूजिक प्ले किया, आपने आप वापस अपने होम पे गए, तो वो जो म्यूजिक की एप्लीकेशन है डायनेमिक आइलैंड में चली जाती है, और जब उसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इतनी बड़ा सा बॉक्स निकल के आता है। तो मतलब बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन यहाँ पे लगता है। और जब अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसके अंदर ही आपको बैटरी की परसेंटेज, चार्जिंग कितनी हो रही है वो आपको दिखती है, आपको कंट्रोल सेंटर में जाना नहीं पड़ता। बाकी डायनेमिक आइलैंड में भी आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को आप ओपन कर सकते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे एप्पल लेकर आया, जिसकी वजह से इसकी सेल्स बूस्ट यहाँ पे हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि आईफोन के प्रो मॉडल्स इतने ज्यादा बिके हैं, ना कि नॉर्मल मॉडल से। कि हर बार क्या होता है कि लोग आईफोन 13 जैसे लास्ट ईयर आया, तो लोगों ने आईफोन 13 को ज्यादा परचेज किया है 13 प्रो से, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा था। पर आपकी बार आईफोन 14 प्रो सबसे ज्यादा बिका है, इवन आईफोन 14, 14 प्लस की सेल्स यहाँ पर डाउन हो गई है। और एप्पल दोस्तों हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक आईफोन 15 या इस ईयर में आईफोन 15 प्लस या 15 लेके ना कोई और मॉडल यहाँ पे लेकर आए। तो आप देख सकते हैं कि एक इतने सारे फीचर इंट्रोड्यूस करने से एप्पल की जो प्रो मॉडल्स की जो सेल है वो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे बूस्ट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से डायनेमिक आइलैंड बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत ही बढ़िया फीचर है, आपको फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिलता है। और हम बात करें कुछ और ऐसे पॉइंट्स की इसकी प्रोज की, तो देखिए इसमें आपको ऑल अराउंड डिस्प्ले मिलती है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको A16 बायोनिक चिप मिलती है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा एक मॉन्स्टर चिप है, जिसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट ग्राफिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
इसमें आपको 48 मेगापिक्सल अपग्रेडेड कैमरा मिलता है, आपको इसमें डायनेमिक आइलैंड मिलता है, आपको इसमें बैटरी लाइफ एप्पल ने बहुत अच्छी कर दी है। और दोस्तों मैंने सुना है लोगों से कि हाँ इसकी बैटरी लाइफ ओके बहुत अच्छी है, उनको बैटरी लाइफ से कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रो मॉडल है, प्रो में यूजेज ज्यादा होती है, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लगती है, बट उसके बाद भी इतनी बढ़िया फीचर्स होने के बाद भी अगर बैटरी लाइफ मेंटेन है, इसका मतलब एप्पल ने बहुत ज्यादा यहाँ पे बैटरी लाइफ पे काम करा है, तो थम्स अप एप्पल। नेक्स्ट, इसमें आपको क्रैश डिटेक्शन का फीचर मिलता है और साथ में इमरजेंसी SOS का भी फीचर यहाँ पे मिलता है। हालांकि इंडिया में और बाकी कंट्रीज में अभी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे करके ये बाकी सब कंट्रीज में आ जाएगा, पर इमरजेंसी SOS है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप सपोज कहीं खो जाते हैं तो आपका नेटवर्क, अगर आपको सपोज आपके कैरियर का नेटवर्क नहीं आ रहा, तो सैटेलाइट के थ्रू कॉल कर सकते हैं और अपने इमरजेंसी नंबर्स को यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो एप्पल लेकर आया अपने आईफोन 14 की सीरीज के अंदर। ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आजकल जो ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, मैं चाहता हूँ किसी का भी ना हो, ऐसा कभी कोई दिन ना आए, बट ये बहुत ही सेफ्टी फीचर है जो एप्पल ने आपको इसमें दिया है। कॉन्स की बात करें तो इसमें जो एप्पल है, एप्पल ने कुछ फिजिकल डिजाइन देखे चेंजेस नहीं करे, पूरा डिजाइन आईफोन 13 प्रो वाला ही है, जो चैसिस है, बॉडी है पूरी, वो आईफोन 13 प्रो वाली है, बस एप्पल ने डिस्प्ले चेंज करी है और कैमरा को जो बम्पिंग है वो थोड़ी यहाँ पे बढ़ा दी है। साथ में इसमें आपको जो सेंसर मिलता है 48 मेगापिक्सल का, वो सिर्फ आपको एक देखने में मिलता है, बाकी दो आपको यहाँ पे 12 मेगापिक्सल के मिलते हैं। तो इसमें एप्पल काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आईफोन 15 प्रो के अंदर एप्पल तीनों ही यहाँ पे 48 मेगापिक्सल के सेंसर यहाँ पे करने वाला है, क्योंकि एप्पल कोई चीज यहाँ पे रिड्यूस करता है तो नेक्स्ट मॉडल में उसको पूरा हाईफाई ले जाता है। ये एप्पल की टेक्निक होती है ताकि नए जो कस्टमर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, वो उसके नए स्मार्टफोन पे अपग्रेड करें। साथ में इसमें अभी भी आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है, USB-C देखने को नहीं मिलता। अभी देखिए मैं कितनी एक फनी बात है कि एप्पल अपने सब डिवाइसेस में, आईपैड्स, एप्पल वॉच और मैकबुक, सब में आपको टाइप सी देखने को आ चुका, बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली आईफोन में ये चीज नहीं आई है। एप्पल दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने आई गेस इतने सारे फाइन लगा दिए, उसके बाद भी एप्पल टाइप सी पोर्ट नहीं दे रहा है। आई डोंट नो कि उसे एप्पल क्यों नहीं देना चाहता, बट हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं, रूमर्स भी आ रहे हैं कि आईफोन 15 के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट फाइनल देखने को मिल भी सकता है। तो हम वेट करते हैं आईफोन 15 का, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी आपको लाइटनिंग केबल ही मिलती है, आपको चार्जर यहाँ पे साथ लेके घूमना पड़ेगा। देखिए जगह मैं बात करूँ वर्डिक्ट की, तो आईफोन 14 प्रो है बहुत ही बढ़िया अपग्रेड है अपने प्रीडिसेसर से। ये देखिए अगर आप सोच रहे हैं आईफोन लेने का और आपका बजट है, अगर सपोज आपको उसी सेम बजट में आईफोन 13 प्रो मिल रहा है, आपको लगता है कि ज्यादा फर्क तो है नहीं, आईफोन 13 प्रो ले रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आपके यूज पे डिपेंड करता है। अगर आपको लेटेस्ट फीचर चाहिए, फ्यूचरिस्टिक आपको स्मार्टफोन चाहिए, तो आईफोन 14 प्रो इज द बेस्ट, क्योंकि उससे कैमरास बेस्ट हैं, डिस्प्ले अच्छी है, डायनेमिक आइलैंड है, आपको उसमें लॉन्ग टर्म का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कि आईफोन 13 प्रो में कि आपको एक्स्ट्रा एक साल का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर, और साथ में जो आने वाले iOS होगा, iOS 17, 18, 19, 20, तो उसमें जो फीचर्स होंगे सारे इस प्रोसेसर पे सपोर्टेड होंगे, आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको स्मार्टफोन के अंदर क्रैश डिटेक्शन देखने को मिलता है, इमरजेंसी SOS देखने को मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको आईफोन 14 प्रो के यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि जो प्रो मैक्स है बहुत ही बड़ा है, बहुत हैवी हो जाएगा, बट आईफोन 14 प्रो एक आइडियल डिवाइस है, आइडियल यहाँ पे साइज है, तो आपके लिए इतना इशू नहीं रहेगा हैंड में पकड़ने में भी, पॉकेट में रखने में भी, कहीं पे इसको कैरी करने में। तो आईफोन 14 प्रो के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, पर कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको या तो आपको यहाँ पे देखिए चार्जर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स में नहीं आता, क्योंकि और दूसरी बात अभी आपको उसमें लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, टाइप सी नहीं है, तो आपको उसकी लीड और इसका चार्जर आपको साथ लेके घूमना पड़ेगा। आप सोचेंगे किसी भी टाइप सी चार्जर में आप लगा देंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि लाइटनिंग केबल है, टाइप सी नहीं है, तो आपको एक चार्जर यहाँ पे लेके घूमना पड़ेगा। साथ में इसमें खाली आपको 48 मेगापिक्सल यहाँ पे सेंसर मिलता है, और यहाँ पे कोई भी आपको मतलब जो फिजिकल डिजाइन उनको सेम मिलता है, तो इतना दोस्तों मतलब ये पॉइंट शायद इतने मैटर आपको नहीं करेंगे अगर आप एक स्मार्टफोन ले रहे हैं, पर फाइनल पॉइंट यही है कि आप आईफोन 14 प्रो के यहाँ पे जा सकते हैं, बढ़िया फोन है। और जो तीन फीचर मैं आपको बताए इंपॉर्टेंट वाले, उन्होंने ऐसा इंप्रेशन छोड़ा यूजर्स के ऊपर कि लोग आज भी आईफोन 14 प्रो ले रहे हैं, आईफोन 14, 13, 13 प्रो छोड़कर। तो गाइस यही था पूरा आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो यहाँ पे बहुत बहुत पसंद आई होगी। आपको वीडियो यहाँ पसंद आई इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि मैं आपके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलवाने वाली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।